नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। चुनाव के बाद ही रिलीव होंगे उच्च पद प्रभार वाले, शिक्षा काउंसलिंग चलती रहेगी। और अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो शिक्षक प्रमोशन का सपना देख रहे थे, अब उनका सपना मुझे अधूरा लग रहा है। और यहाँ पर बड़ा अपडेट है, स्कूल शिक्षा विभाग में उच्च पद प्रभार देने की प्रक्रिया चल रही है। सहायक शिक्षक से शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक से माध्यमिक शिक्षक का उच्च पद प्रभार देने की काउंसलिंग मंगलवार को शुरू हो गई है। यह प्रक्रिया बुधवार को भी चलेगी। इसके साथ ही दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। यह भी निर्देश दिए गए हैं कि जिन शिक्षकों की निर्वाचन कार्य में ड्यूटी लगी है, उन्हें निर्वाचन कार्य पूरा होने के बाद ही कार्य मुक्त किया जाएगा। यानी वह जिस जगह पदस्थ थे वहां ड्यूटी करेंगे और चुनाव के बाद ही उच्च पद प्रभार पर ज्वाइन करेंगे। उल्लेखनीय है कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों को उच्च पद प्रभार देने के लिए काउंसलिंग चल रही है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक पदों की काउंसलिंग हो चुकी है। मंगलवार को सहायक शिक्षक से शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक से माध्यमिक शिक्षक के पद पर काउंसलिंग शुरू हो गई है। यह काउंसलिंग बुधवार को भी चलेगी। पहले कोशिश की जा रही थी कि उच्च पद प्रभार करने वाले शिक्षक तुरंत ही नए स्थान पर ज्वाइनिंग दे देंगे, लेकिन अब नए आदेश के बाद चुनाव ड्यूटी वालों को उच्च पद प्रभार तो दिया जा रहा है, लेकिन उन्हें रिलीव चुनाव के बाद ही किया जाएगा। वहीं शिक्षकों का कहना है कि चुनाव तक उच्च पद के लिए इंतजार करना अपनी बेचैनी बढ़ाने जैसा है। यह काम तुरंत करना चाहिए। ऑनलाइन पद दिखाई न देने की भी शिकायतें आ रही हैं। काउंसलिंग प्रक्रिया में शहरी और इसके आसपास के स्कूलों में पद खाली होने पर भी ऑनलाइन प्रक्रिया में दिखाई न देने की शिकायतें भी विभाग के अफसरों तक पहुंची हैं। मौखिक शिकायत करने वालों का कहना है कि उन्होंने स्कूलों से पता किया है कि यहाँ पर जगह खाली है, लेकिन ऑनलाइन प्रक्रिया में इन स्कूलों में जगह नहीं दिखाई दे रही हैं। अफसर यह भी जवाब दे रहे हैं कि भोपाल स्तर से ही यह जगह लॉक हैं। कुछ शिक्षकों का कहना है कि जगह लॉक हैं, खुल नहीं रही हैं और लगातार, और अब मुझे लग रहा है कि काउंसलिंग तो चलती रहेगी लेकिन चुनाव भी नज़दीक है। चुनाव की तैयारियों में निर्वाचन आयोग पूर्ण रूप से लगा हुआ है और 100% योगदान शिक्षकों का रहता है चुनाव कराने में, इसलिए अभी कहा नहीं जा सकता। दूसरी बात, अतिथि शिक्षकों को नहीं हटाया जाएगा। मुख्यमंत्री जी का बड़ा बयान आया है तो कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र को लेकर अब दिक्कत भी हो सकती है। बाकी जो नए नए अपडेट हैं वो मैं आप लोगों को लाता रहता हूं। फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।